करनाल में मिड डे मील वर्कर यूनियन हरियाणा की जिला अध्यक्षा शिमला देवी ने कई गांवों में स्कूलों का दौरा कर 6 मार्च को होने वाले जेल भरो आंदोलन के लिए न्योता दिया। उन्होंने कहा कि जेल भरो आंदोलन की तैयारी के लिए 3-4 टीमें काम कर रही है। उसने क्षेत्र के नरोता, घीसरपुरी, समोरा व बुटान खेड़ी गाँव में वर्कर से बातचीत की। शिमला ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा मिड डे मील वर्करों का शोषण किया जा रहा है। समय पर वेतन नहीं मिलता बल्कि कई महीने तक वेतन लटकाया जाता है। हमें पक्का रोजगार दिया जाए। उन्होंने कहा कि तमाम तरह की हिंसा पर रोक लगे, संविधान के साथ छेड़छाड़ बंद की जाए, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न विरोधी कमेटी बनाई जाए, CAA जैसे काले कानून को रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी समस्याओं व मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। काम के हिसाब से वेतन कम है और वह भी 2 महीने काट कर मिलता है। वेतन कम से कम 18,000 रुपए मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिड डे मील आदि वर्कर्स हैं जो 6 मार्च को जेल भरो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। देखिए एक रिपोर्ट। ऐसे असर जी, मैं शिमला देवी जिला प्रधान और मैं अपनी समस्या के बारे में आपको परिचय देती हूँ, क्योंकि हम सुबह तो आते हैं, दूध पिलाते हैं, उनके बर्तन होते हैं, फिर उससे बाद हम खाना रोटियां, 200 बच्चों की रोटियां बनानी कोई शान बात नहीं है, जो हमारी सैलरी कुछ भी नहीं है। उससे बाद उसके बर्तन होते हैं और आज तक 2013 से सरकार ने हमारे सेंटर ने 1,000 रुपया बढ़ाया था, जो आज तक कोई कुछ नहीं मिला हमारे को। जो हमारी 3,500 देते हैं वो भी 2 महीने की कट करके देते हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें अच्छा रोज़गार दे, पक्का रोज़गार देवे और हमारी सैलरी कम से कम 18,000 तो होनी चाहिए जो हमारे इतना काम करते हैं। क्या दौरे कर रहे हैं, कहाँ गए? हम कई स्कूलों में औरता और ये घीसरपड़ी और ये बुटान खेड़ी पीछे से भी ऐसे कई स्कूलों में दौरे करके आई मैं। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ सरकार से कि सरकार हमारी बात को सुने, क्योंकि हमारी विधवा महिलाएँ हैं जो कि इसी से गुजारा करती हैं, जो कि सैलरी बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि इतना खाना बनाती हैं और बर्तन और साफ सफाई, इतना काम बढ़ गया स्कूल का, जो कि हमारी सैलरी बहुत कम है। हम सरकार से दौरे जो कर रहे हैं, आप किस प्रोग्राम को लेकर हैं? क्या हम जेल आंदोलन के लिए 6 तारीख को हमें जेल आंदोलन करना है। जो हम परियोजना वर्कर, आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील महिलाओं ने हमें जेल भरनी है, तो कि हमारी सैलरी बिल्कुल कम है। हम सरकार से वादा करते हैं क्योंकि हमें पक्का रोजगार देवे, स्थायी कर्मचारी बनाए और जो इतना काम बढ़ा है हमारी बढ़ोतरी करे, 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन हमारा लागू करे और जो कि हमारा दुलाई भत्ता हमें सरकार दे, क्योंकि हमारे बहुत ही कम वेतन में हम काम कर रहे हैं, जो शाम में हो जाती है 3-4 बजे जाते हैं, जो कि हमारी सैलरी बहुत कम है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जबकि हमारी सैलरी आज तक सरकार ने बिल्कुल हमारी बिल्कुल ऐसा काम कर दिया, हम इतनी बार रैली कर चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, जो सरकार ने आज तक कोई सुनाई नहीं करी। तो इस सरकार से हम, मार्च में हमारा बजट आता है, जो सर 6-6 महीने हमारे को पैसे नहीं मिलते, इतना बोझ हमारे ऊपर बढ़ गया कि सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी महिलाएं इतने इतने 3-3 बजे तक रोटी बनाती हैं, तो चूल्हे के आगे आप ही बताइए कि सरकार हमें क्या दे रही है। कुछ नहीं दे रही, 3,500 रुपये दे रही, जो भी 2 महीने के। कहाँ पहुँचो आप आज, कहाँ? मुटान खेड़ी। तो वर्करों को क्या कहना चाहते हो आप? वर्करों को ये कहना चाहते हैं कि हमें जेल के लिए इनको कहने आई, हमें 6 तारीख को जेल भरनी है, जेल आंदोलन करनाल के अंदर 12 सेक्टर में, और ये हमारी समस्याओं को सरकार हर महीना हमारी सैलरी मिले, ताकि 6-6 महीने तक हमारी सैलरी नहीं मिलती, सीधा हमारे लिंक खाते में जाए जैसे पहले आता था। हम ये चाहते हैं कि किसी को, हमें किसी के खाते में हमारे पैसे नहीं आने चाहिए, सीधे मिड डे मील के खाते में सीधे आने चाहिए। और यही सरकार से हम ये बात करना चाहते हैं कि सरकार हमारे से बात करे। हमने सबसे खट्टर से भी, हम पहले 2013 में मिलने गए थे डायरेक्टर से भी, पर आज तक हमारी कोई सुनाई, 7वां वेतन तो क्या, 1 पैसा भी आज तक मिला नहीं है, क्योंकि हमारी गरीब महिलाएं हैं और विधवा महिलाएं हैं, इनको कोई सैलरी कुछ बिल्कुल बहुत कम है। क्योंकि जब खाना बनाते हैं ना, अगर कोई खाना बनाने वाला आता है ना, वो भी 800-900 से एक दिन की दिहाड़ी नहीं लेता, तो हमारे तो 100 रुपये भी दिहाड़ी नहीं है, तो उसमें से भी कट जाते हैं। तो इसीलिए हम सरकार से वही वादा करते हैं, हमारी
न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये दे, हमारा पक्का रोजगार दे, जो हमारी 15-15 साल से काम करती है उनको हटाया जाता है, और जो बच्चे कम हो जाते हैं उनकी वजह से, जिसमें जब महिलाएं खाना खाती हैं दो बच्चे कम हो जाते हैं, तो इसीलिए हमारे स्कूल में 50-50 मास्टर भी तो खाते हैं, उनको भी तो गिनो, वो भी गिनती होनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो हमें खाना देते हैं, जिनको भी स्कूल से ही देते हैं, बनाते हैं। तो हम इसी करके जो बच्चों की है ना न्यूनतम वेतन, जैसे बच्चों की कम है ना, उनको कम की बढ़ाया जाए, तो हमारी रोजगार बना रहे, ताकि हमारी हटाई वर्करों को भी दोबारा वापस लिया जाए। और धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।